मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाला मेला 9 वर्ष के पहले दिन पूरे शबाब में दिखा। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जहां मौत का कुआं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, वहीं बड़े बड़े झूलों के साथ ब्रेक डांस झूला, राउंडिंग झूला, फोटो स्टूडियो, बैलून फायर गेम सहित खान पान की दुकानें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर में लगे वोटिंग का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में 9 वर्ष के अवसर पर दूर दराज से आए लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गुरु गोरखनाथ बाबा के दर्शन के बाद मेले का जमकर लुत्फ उठाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विभिन्न झूलों के संचालकों ने कहा।
बहुत जवान। हम नेपाल से आए हैं। हर साल आते हैं या लगाते हैं? हर साल आते हैं, यहीं पर लगाते हैं। कितने दिन तक यहाँ पे रहते हैं आप? वही 40 दिन। खिचड़ी के बाद भी? हाँ, खिचड़ी के बाद भी रहते हैं यहाँ पे। हम मेले में लगाए हैं। बस वही अपना जो खर्चा चलता है ना, खर्चा पानी आ जाता है, इसलिए लगाए हैं। मेरा नाम संतोष पटेल है। कहाँ का है? बिहार से। कितने दिन तक यहाँ पर रहेंगे? वहीं 15-20 दिन। कमाई हो जा रही है? अभी तो फर्स्ट यहाँ चालू हुआ है जी। बबलू। कहाँ से आप आए? यहाँ लखनऊ से। हर साल आते हैं? जी। कितने वर्षों से यहाँ पर? यहाँ हो गया कम से कम 20 वर्ष हो गया लगाते लगाते। आज नया साल है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है? जी जी। अब जो अभी तो कम है भीड़ भाड़, बढ़ेगी भीड़ भाड़ तब होगा, मगर अगले साल से अब की थोड़ा भीड़ कम है।